नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस पंक्ति को चरितार्थ किया है जीटी रोड सरसा पहाड़ी की रहने वाली संजना अग्रवाल ने। बुलंद हौसला और सच्ची लगन लिए व्यवसायी सुदीप अग्रवाल की पुत्री संजना ने 12वीं कॉमर्स में 93% अंक प्राप्त कर चिरकुंडा स्थित श्रीमती गिनिया देवी मॉडर्न स्कूल की टॉपर बनकर न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरे निरसा और चिरकुंडा का मान बढ़ाया है। अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के तहत संजना आगे MBA की पढ़ाई पूरी कर पिता का व्यवसाय में हाथ बटाना चाहती है। संजना अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहती है। संजना ने यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 12 घंटे की पढ़ाई कर हासिल किया है। संजना ने बातचीत में बताया कि वो लड़कों को कमतर नहीं आंकती है, पर जब टॉपर की बात आती है तो लड़कियां हमेशा इसमें बाजी मारती आई हैं। इसकी वजह लड़कियों को इच्छा शक्ति का हिंसा। साथ ही संजना ने कहा कि लड़कियों के अंदर ज्यादा लगन होता है। इधर बाकी बच्चों को संजना ने एक मैसेज देने का काम किया है, कहा कि सच्ची लगन और कड़ी मेहनत से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो मैं बहुत बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। पहले तो मुझे लगा नहीं था कि मुझे अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि फिर घर पे बहुत फंक्शन थे तो मुझे लग नहीं रहा था। लेकिन फिर मैंने ट्राई किया, मैंने बहुत मेहनत किया और मम्मी बहुत सपोर्ट करती थी, इसीलिए बहुत अच्छा मार्क्स आया। मैं दिन में सुबह में पढ़ती थी 5 to 4 hours एंड देन शाम में पढ़ती थी। तो रात में मेरा क्या था कि रात में उठ के बेसिकली पढ़ना है ज़्यादा। मेरा एम्बिशन है कि मुझे पहले तो MBA करना है, उसके बाद है कि मैं अच्छा करूँ, अपने लिए अच्छा करूँ, मैं अपने लिए सब कुछ कर पाऊँ, मैं कभी भी कोई चीज़ के लिए खुश रह पाऊँ ज़िंदगी भर। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि इस बार वो टर्म 1 और टर्म 2 के बेसिस पे हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था, बट अब जो है वो एक ही टर्म पे होगा, सो वो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। सो इस बार अच्छे से पढ़ना चाहिए और सिलेबस डिडक्ट नहीं होने वाला इस बार, तो ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। फ़र्क मैं नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि अब मॉडर्न स्कूल में जहाँ तक मैंने देखा है कि लड़कियाँ ही टॉप पर रही हैं, लड़कियाँ ही सब अच्छा मार्क्स लेकर आई है। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि लड़के अच्छा मार्क्स नहीं लाते, जो मेरे बार सेकंड टॉप पर है रोहित खड़के, वो एक लड़का ही है। बट एक क्या होता है कि गलती दोनों में नहीं है, बट पढ़ाई पर भी डिपेंड करता है कि कौन कैसा पढ़ता है, और यहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादा अप्रोच भी लेती है सब चीज़ में। वही संजना की माँ का खुशी का ठिकाना नहीं था, वो काफ़ी खुश दिखी। साथ ही उन्होंने कहा कि वो इसी दिन का इंतजार कर रही थी, लेकिन खुशी के साथ साथ वो दुखी भी थी। उनकी पुत्री संजना की बुआ की आकस्मिक मौत हो गई, जिस कारण वो दुखी हैं। बहुत ज़्यादा तमन्ना थी कि मेरी बेटी स्कूल टॉपर हो, हमेशा मेरी इच्छा यही रहती थी। ये टॉपर का रिजल्ट कर सुने तो बहुत ज़्यादा खुश हुई, पर बहुत दुखी भी हुई कि इसकी बुआ को बहुत ज़्यादा हमेशा फोन आता था कि छोटी का रिजल्ट कब आ रहा है। वो रहती तो वो ज़्यादा खुश होती, लेकिन मैं आगे भी चाहूँगी कि मेरी बेटी खूब अच्छी पढ़ाई करे, कुछ बने। इसके पापा की भी ये बहुत ज़्यादा उम्मीद है, अपने लाइफ में अपना सब कुछ कर सके, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। मैं ये चाहती हूँ कि ये अपने पाँव पे खड़ी हो जाए पढ़ लिख कर।